बारा शहर स्थित कृषि उपज मंडी में नई सरसों की आवक होना शुरू हुई, लेकिन इस साल सरसों के भाव पिछले साल के मुकाबले 1000 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल कम मिलने से किसान निराश नजर आ रहे हैं। इधर व्यापारियों द्वारा आगामी दिनों में मंडी में सरसों की बंपर आवक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी अतीश कुमार ने बताया कि जिले में इस वर्ष करीब 1,50,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है। मौसम अनुकूल रहने से किसानों को सरसों का उत्पादन बंपर उत्पादन मिलने का अनुमान है। ऐसे में इस बार मंडी में सरसों की आवक का रिकॉर्ड टूट सकता है। मंडी में करीब एक पखवाड़े से छुटपुट रूप से सरसों की आवक हो रही थी, जो अब बढ़कर 1000 कट्टे तक जा पहुंची है। अब आने वाले दिनों में यह आवक कई गुना बढ़ जाएगी। मैं बुलाईडी से बपौर के पास संगोता से। सर कितना माल लेके आए हैं आप? मैं 60-61 कट्टे लेके आया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या भाव मिल रहा है सर? कमी मिल रहा है 50,000-45,000 रुपये। अच्छा अच्छा, संतुष्ट हो इस भाव से? संतुष्ट तो नहीं, पर क्या करें। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना भाव जा रहा है सर? 54-55 का जा रहा है। 54-55। कहाँ से आए आप? बुलाईडी गाँव। क्या नाम है आपका? जयपुरण में। बुलाईडी, क्या भाव मिल रहा है? बिक रहा है आपका माल? अभी जो है 5,000 का भाव मिल रहा है। पुराने सरसों में ये भाव है, पहले 5,600-7,000 बुकी हुई थी। तो इस बार कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है? 1500-1700 रुपये का नुकसान है इसमें। कितना माल लेके आया? 60 कट्टा। 60 कट्टा लेके आया। कहाँ से आया? बुलाईडी। बुलाईडी सर, ये जो लागत हुई थी उससे कम लागत निकल रही है या वो भी नहीं निकल पा रही? निकल रही है लागत। लागत भी नहीं निकल रही। कितनी लागत आई होगी इसको करने में? इसमें करीब यूँ मान लो का, जैसे अभी मान लो एक बीघे पे 5,000-7,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। 12,000 की जमीन जो लागत लगी है सर पैदावार में, नुकसान है उसमें भी। आपका नाम बता दीजिए। बाबूलाल नागर, बुलाईडी। पिछले साल से जो क्रॉप है इस बार 25-30% ज़्यादा है, तो क्रॉप ज़्यादा होने की वजह से भी भाव कम है इस बार। सर आगे चल के भाव में तेजी होगी ऐसा कुछ है? भाव में तेजी का तो अभी जो मॉइस्चर आ रहा है ज़्यादा, तो आने वाले समय में जैसे गर्मी पड़ेगी और जो सूखी सरसों आएगी तो 400-500 रुपये मार्केट अपने आप सही होने के चांस है। देखो क्रॉप के बारे में पहले से ही अपन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड के ऊपर कोई भी चीज़ जब फुल पीक पे आती है उसकी डिमांड कैसी रहती है उसके बाद ही रेट का डिसाइड होता है। तो अब जब मार्च के लास्ट तक फुल पीक पे जब सरसों आ जाएगी तो उस टाइम पे ही इसके भाव क्या रहने चाहिए जब पता पड़ेगा। सर आपका परिचय? मैं हरीश विजयवर्गी, राम गोपाल कन्हैयालाल विजयवर्गी से।